नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। नवसृजित प्राथमिक विद्यालय चंद्रपद के सहायक सह फोकल शिक्षक मोहम्मद फैयाज अहमद ने मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम सुरक्षित शनिवार में बच्चों को अशुद्ध जल से होने वाले रोगों की रोकथाम हेतु जागरूक किया। अशुद्ध जल में अनेकों प्रकार के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थ पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अशुद्ध जल में अनेकों तरह के जीवाणु, कृमि व अंडे और प्रोटोजोन्स आदि पाए जाते हैं। ये मनुष्य में ढेर सारी बीमारियों के कारण बनते हैं। अशुद्ध अथवा दूषित जल प्रायः पेयजल के रूप में रोगों की उत्पत्ति एवं उसके संवाहन का कारण बनता है। अतः दूषित पानी के सेवन से सामान्यतः आहार नाल संबंधित रोग होते हैं, जिससे कि रोग की गंभीर अवस्था में शरीर के कुछ अंग या पूर्ण शरीर रोग प्रभाव में आ जाता है। पेचिस, अतिसार, कॉलरा, डायरिया, पीलिया, अपच, उल्टी, दस्त, पेट में कृमि, टीबी, चर्म रोग, नेत्र रोग आदि बीमारियों से व्यक्ति ग्रसित हो जाता है। कुछ बीमारियां जानलेवा भी हो सकता है, इसलिए समय रहते शुद्ध जल का ही सेवन किया जाए। जल शुद्ध करने के उपायों पर चर्चा करते हुए श्री अहमद ने कई तरह की विधियां भी बताई। उनमें उबालना, निथारना, आसवन, जीवाणु अवैध निस्पंदन, पराबैंगनी किरणों, पोटेशियम परमैंगनेट, आयोडीन, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन, हैलोजन आदि विधियों को अपनाकर जल का शुद्धिकरण किया जा सकता है और बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। मौके पर विद्यालय प्रधान सुरेश कुमार, ममता कुमारी, मनोहर कुमार, विकास पासवान, कृष्ण कुमार पंडित और बाल प्रेरक राजन कुमार, अंकित कुमार, कृष्ण कुमार, अंकुश कुमार तथा सभी बच्चे मौजूद थे। नमस्ते बच्चों, नमस्ते सर, कैसे हैं? अच्छे। भगवान का निवास कहाँ होता है? संस्था में। संस्था में भगवान का वास होता है, तो हम लोगों को स्वच्छ रहना चाहिए कि नहीं? यस सर। व्यक्तिगत तौर पे भी हम लोगों को स्वच्छ रहना चाहिए? यस सर। स्नान करके, तेल लगा के, कंघा करके, साफ सुथरा कपड़ा पहन के विद्यालय आना चाहिए, घर में रहना चाहिए, कहीं भी साफ सुथरा रहना चाहिए, नहीं? Yes, sir. अगर हम लोग साफ सुथरा, सब कुछ साफ सुथरा है ना, अगर पानी हम लोग गंदा पिएंगे तो तब तो बीमारी होगी। Yes, क्योंकि बरसात के दिनों में खास तौर से पानी बहुत गंदा हो जाता है, चाहे चापाकल अपने यहाँ है ना, या सब लोगों के घर में होगा, चापाकल का पानी भी गंदा हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है बरसात के दिनों में। तो पानी को हमेशा शुद्ध करके पीना चाहिए। शुद्ध करने का कई तरह का विधि है, नहीं तो विधि बाद में बताएंगे, पहले शुद्ध करने पर बताएं कि उससे अशुद्ध जल अगर हम लोग सेवन करते हैं, अगर हम लोग पीते हैं, तो क्या क्या नुकसान हो सकता है, क्या क्या खतरा हो सकता है, या कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। तो अशुद्ध जल सबसे पहले हम लोग कहाँ लेते हैं? मुंह में। नहीं, पीते हैं पानी तो कहाँ लेते हैं? मुंह में। तो सबसे पहले ये आहार नाल हमारा संक्रमित हो जाता है। ये आहार नाल जिससे खाना या पानी अंदर जाता है वो संक्रमित होता है। उसके संक्रमण से हमको कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे सीने की बीमारी हो जाएगी, सीना मतलब फेफड़े की बीमारी, श्वास की बीमारी हो जाएगी, नहीं? हाँ, श्वास की बीमारी हो जाएगी, टीबी तक हो सकता है। तो हम लोग पानी को उबाल कर पिए। उसके अलावा कॉलरा यानी जो उल्टी और दस्त दोनों होता, डायरिया सिर्फ दस्त होना, ये बीमारी हो सकती है। पीलिया की बीमारी हो सकती है, जॉन्डिस है ना, जॉन्डिस की बीमारी हो सकती है, एनीमिया हो सकता है, पेट में कृमि हो जाएगा, पेट में दर्द होगा, बार बार जी मिचलाएगा, उल्टी जैसा लगेगा, बदन हाथ में ऐठन होगी। जब हम लोग इस तरह की बीमारियां बदन में हो जाए तो हम लोग जाहिर सी बात है कि मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से पढ़ने योग्य नहीं रह पाएंगे, नहीं? तो उसके लिए, स्वस्थ रहने के लिए हम लोग को शुद्ध पानी का भी पीना जरूरी है। तो शुद्ध करने के लिए बहुत सारी विधि है, उन विधियों में कुछ विधि यहाँ पे बताया जा रहा है।
जैसे हम लोग घर में, बहुत बच्चों के घर में ये भी होगा फ्रीजर है ना, जो बाल्टी एक दूसरे के ऊपर रखा रहता है, बाजार में बना बनाया फ्रीजर आता है, थोड़ा महंगा मिलता है। अगर उससे सस्ता बनाना है तो तीन घड़ों की मदद से घड़ा समझ ना, घड़ा है ना, घड़ों की मदद से तीन घड़ों को तले ऊपर हम लोग रखेंगे एक दूसरे के ऊपर, उसके पेंदे में छेद कर देंगे दो घड़े के, है ना, पेंदे में छेद कर देंगे छोटा सा। सबसे ऊपर वाले घड़े में हम लोग रखेंगे क्या, पानी, जो पानी साफ करना है यानी अशुद्ध जल को इसमें रखेंगे, है ना, अशुद्ध जल लिखा हुआ, अशुद्ध जल को इसमें रखेंगे। तब क्या करेंगे, दूसरे में उसके नीचे वाले में हम लोग कंकर, कोयला और बालू सबको धो के साफ सुथरा करके उस घड़े में रख देंगे। कंकर, बालू और कोयला, है ना, कंकर, कोयला, बालू इसके अंदर रखेंगे। उसके नीचे साफ सुथरा एक घड़ा रखेंगे, खाली घड़ा, है ना, ये अशुद्ध जल है ना इसमें आएगा, धीरे धीरे इसमें तक टप 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 करके टपकेगा, तो इसमें आ गया, तो इसमें बालू, कंकर और कोयला है, उसमें थनेगा वो, तो उसमें जो गंदगी है पानी में इसमें जमता जाएगा ऊपर, और पानी साफ पानी नीचे से चुएगा और इसमें आके एकदम शुद्ध जल तैयार हो जाएगा, है ना, शुद्ध जल। yes, से हम लोग इस विधि से भी कर लेंगे, ये विधि कम मात्रा में पानी को शुद्ध करने के लिए, कम मात्रा में, ज्यादा मात्रा में नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या है कि एक बर्तन को गर्म करेंगे, इसमें से भाप निकलेगा, भाप यहाँ से निकल के बाहर निकलने का यही रास्ता है, तो भाप इधर भाग निकल, तो इधर एक हम फ्लास्क लगा देंगे, फ्लास्क में पानी भी, फ्लास्क को भी हम लोग ठंडे पानी में रख देंगे किसी बर्तन में, उसमें ये जब ठंडा होगा तो इसमें का भाप वो पानी बदल जाएगा, तो कम मात्रा में, ये आसवन विधि कहलाता है डिस्टिलेशन। हम लोग इंजेक्शन लेते हैं ना, तो उसमें जो पानी मिलाया जाता है यही पानी रहता है, एक ये विधि हो गया। दूसरा विधि, हम लोग घर में आमतौर पे पानी को खूब उबाल लेते हैं, खूब खौला लेते हैं, तब जाके पानी को फिर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद उसको किसी साफ बर्तन में साफ कपड़े से छान लेते हैं, सूती कपड़े से छान लेते हैं, उस तरह से भी हम लोग उस पानी को पी सकते हैं। उस पानी को ढक के रखना है हमेशा, बरसात के दिनों में कुएं का पानी, नल का पानी सब अशुद्ध हो जाता है, तो इसमें ब्लीचिंग पाउडर, इसमें भी ब्लीचिंग पाउडर डाल के पानी को शुद्ध किया जा सकता है। इसके अलावा क्लोरीन, हैलोजन और फिटक्री और कई तरह का व्यवस्था है, विधि है, उस विधि के मुताबिक हम लोग उससे सफाई कर सकते हैं। इस तरह हम लोग शुद्ध जल का हमेशा सेवन करें और स्वस्थ रहें, नहीं? Yes, sir. चलिए, धन्यवाद।